अनप्रेडिक्टेबल बोला अच्छा एकदम मुझे कई बार सर तो ये क्या तुम दुख में ही निकले अच्छा मतलब तुमने सब कुछ किया उसके बाद फिर झटके से निकलोगे ठीक है पर वेरी गुड रोक रहा है तू तेरा क्या हो रहा है मालूम बहुत पीछे हां थोड़ा इधर ये आप ठीक है वो क्यों आया जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हमेशा मार्क तो जब भी रहेगा नहीं, इसको दोनों शूज के बीच में रखना है, ये सबसे परफेक्ट होता है। और इसको काउंट करना बहुत ईजी है, आप जब कर रहे हो तो एकदम अपने कदम से देख सकते हो, एक दो और ये तीन, क्योंकि कई बार आप नीचे नहीं देख सकते हो। जैसे टर्निंग आप यहाँ पे, अगर ऐसा है कि लुक पे ही आना है मुझे तो भी मुझे वहीं आना है, तो मैंने कर लिया मार्जिन, ठीक है। अभी इसी लाइन को जो कि इतने ही है, क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ठीक है ओके। अभी तुमको बोलना है सैड, एक्सट्रीम सेट, आईज में आना चाहिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। और तुम भी बिल्कुल घूरते मत रहो, तुम अपोजिट रिएक्शन में, रेडी एक्शन। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ओके लुक डाउन, देखो मार्क से, मार्क देखो, गया मिस हुआ ना, एक बार और इमोशन के साथ। यही कैमरा एक्टिंग में ना एक टेक्निकल बात है, आपको इमोशन भी खेलना है और टेक्निकली मार्क का भी ध्यान रखना है, जो कि थिएटर एक्टिंग में नॉर्मली नहीं होता है ना। थिएटर एक्टिंग में अगर ये यहाँ भी आती है ठीक था, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ ना वो सब चलेगा। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वेरी गुड, आखिरी तक होल्ड करना, होल्ड अच्छा है, ठीक। अब एक्सट्रीम एंगर, थप्पड़ मारना, ठीक है। क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और फोर्स दिखाओ, दिख ही रहा था कि तुम्हारे हाथ में फोर्स नहीं है। क्या चिड़िया, क्या कह दूंगे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? थोड़ा सा और आना चाहिए, अभी दिख ही गया कि यहाँ से आ रहा है। तो ये होता क्या, चेहरे के पीछे से आता है, इधर से आता है। सबसे अच्छा तो ये होता है कि तुमने पहले ये करा ना, ये मत करो। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो एकदम ज्यादा तो इनएक्शन अच्छा लगता है, पहले से यहाँ पे तो लगता ही कि मारने वाला है, प्रेडिक्टेबल हो जाता है, स्पीड मारते तो दिखता ही नहीं कि नकली है। चलो रे, मूड एंगर आईज में एक्शन। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तेरा बेटा कैसे जा रहा हूँ, तेरा दूर से जा, तेरा ऐसे जा रहा है, दिख ही रहा है, ये जाना है यहाँ से कान के पास से, शेर के पंजे। ये ठीक है ना? क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अच्छा था बट फोर्स नहीं था में, वही बड़ी गड़बड़ है। हम चाहते तो हम अच्छा करें, हम ऐसा भी करेंगे, हम ऐसा भी करेंगे, हाथ भी करेंगे हाथ, और वहां पे आके फ्लोर पे गड़बड़ हो जाता है, वो नहीं करना, ठीक है। पहले फील करो वहां पे, उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू करेंगे, ठीक है। फील करो आई थी, पहले बढ़ने दो और बढ़ने दो, एक्शन। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चलने दो, कंटिन्यू चलने दो। स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला आंखों से करो करो, हो गया। आखिरी में फिर कॉन्शियस होती करेगी, एक और बार। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वन मोर, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, बॉडी टाइट हो रही ना, वो दिख रहा है, सब समझ में आता है। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? किसी भी डायलॉग का कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, फिर भी इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है, इसी को एक्चुअल बोलते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग। हम किसी चीज का सहारा नहीं ले रहे ना, हम सिर्फ कमांड दे रहे हैं और काम हो रहा है, और रियली एक्टिंग में ऐसा हो जाता है। ये जो बताया गया ना कि नहीं पहले मेथड एक्टिंग करो, फील करो, ये सबका आपको ना टाइम मिलेगा ना वैसी शांति मिलेगी, डिस्ट्रेक्शन भी मिलेगा, इतना शोर में ही होगा सब। अगर मैं कोई एक्शन लेना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टर से और को एक्टर के साथ उसको एक बार करूंगा, ताकि डायरेक्टर को भी पता चल जाए और को एक्टर को भी मालूम हो कि सपोर्ट कैसे कर रहा है ना। मान लो इसने करा कि मेरे को आके हाथ पकड़ना, अपने माइंड में सोच अभी आके ऐसे कर रही है, उसने दिया ही
तो क्लियर होगा कि यहाँ उठ के यहाँ तक आएगा फ्रेम में, अब ये आया तो डायरेक्टर को मालूम है कि कितना फ्रेम में आने वाला नहीं आने वाला, तो डायरेक्टर क्लियर बोल देगा नहीं यार ये वाला हाथ मत ले, एक्चुअली ये सब चीजें होती हैं, तो एकदम से मत करो, पहले तय करो, रिहर्स करो, फिर करो, ठीक है? चलो रेडी एक्शन। क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ओके वन मोर, थोड़ा सा शर्मा रहा था, झिझक रहा था, मत करो, और आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 टाइम्स, जो किया 100 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो कितना एक्सट्रीम होगा, उतने पे आ जाओ। चलो वेरी गुड, डन। सर आवाज हो रही है? हाँ वो चलेगा, वो चलेगा। एक्शन, मार्किंग का ध्यान। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ओके वर्ड क्लियर पे ध्यान दो, वहां बीच में गया ना वर्ड, सांस निकल गई, वो ध्यान करो, होगा। उसके लिए वो पॉज मार्किंग अच्छा रहता है, जिस भी इमोशन में कर रहे हो उसके हिसाब से पॉज मार्किंग करोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तुम हाव भाव से बनाने की कोशिश कर रहे हो और आईज में नहीं दिख रहा है तो एक्ट पूरा नहीं है। मेन टूल कैमरा एक्टिंग में आईज ही है, पहले आंखों में लाओ वाली चीज, एक बार करो। आंखें भी एकदम लापरवाह होनी चाहिए उस टाइम पे, ओके थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी जैसा भी हो रहा है, क्योंकि वहां से वो लग रहा था कॉन्शियस हो, वो नहीं लग रहा। वेरी गुड। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कई बार हम लोग बोलते ना यार ये सिर्फ लाइन बोलने वाला एक्टर है, तो लाइन बोलने वाला एक्टर कौन सा था, जब इसने पहले वाला परफॉर्म किया था, यहाँ से दिख रहा कर रहा है पर आंखों में नहीं आ रहा, लेकिन दिस टाइम आईज में भी वो नजर आ रहा था, है ना? तो यहाँ तक पहुंचना है आपको बराबरी से, ठीक है? ओके नेक्स्ट, यही वाले मार्क, एक्शन। देखते हुए आगे बढ़ो, बहुत दुख हो रहा है उसको देख के। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इमोशन को पढ़ने दो, आगे बढ़ते हुए बोलो, उसके पास जाते हो। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और बढ़ने दो, और पास जाओ। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और कहीं जाके झंझोड़ते हुए बोलो। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अब पीछे बढ़ के गुस्से से निकल जाओ। अनप्रेडिक्टेबल बोला, अच्छा एकदम कई बार समझ। तो ये क्या तुम दुख में ही निकले, मतलब तुमने सब कुछ किया उसके बाद फिर झटके से निकलो, ठीक है? पर वेरी गुड सर, अगर रो रहे हैं तो आवाज तो बदल सकता है। हाँ बदलेगा ही ना, ऑब्वियसली आवाज बदलेगा। तो अब कमांड पे भी आप धीरे धीरे सीख रहे हो, और यही सीखना है हमें कि जैसा सुनाई दिया मैं अपना इमोशन नहीं छोड़ूंगा, और उसको जैसा बोला डायरेक्टर उसको फॉलो करता जाऊंगा, फॉलो करता जाऊंगा। मैंने पूरे एक्शन चेंज कर दिया ना, यस सर, क्योंकि मुझे लगा यार और अच्छा मिलेगा मेरे को उस तरह से, ठीक है? हालांकि जब लाइंस अलग होंगी, जैसे ये पूरा एक डायलॉग होगा बड़ा सा, उसमें वो बोलेगा दो लाइन यहाँ बोल, ठीक है, अब अगली दो लाइन आगे बढ़ के बोल, फिर अब इसको जाके बिल्कुल पकड़ ले, है ना, तब ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों ड्राई लाइन्स में करा रहा हूँ, एक बार ड्राई लाइन्स में करना सीख गए तो लाइन्स के साथ तो और बेटर परफॉर्म करोगे, ठीक है? ओके नेक्स्ट। क्या क्या कहा तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जरूरी नहीं है कि लाउड बोलो, क्या वो भी चलेगा, अच्छा मतलब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है आपकी बॉडी, तभी तो थप्पड़ मारा ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा चिल्लाओ एंगर में, चेंज कर सकते हो, निकालना फोर्स से। अभी भी रोका तुमने, ऐसे हो गया, देखो सर, हाँ दिखा दे, हाँ ये फोर्स लगना चाहिए हाथ का, रोक रहा है तू, तेरा क्या हो रहा है मालूम, बहुत पीछे, हाँ थोड़ा इधर, ये आप ठीक है, तुमने किया पांच छह जो वेरिएशन किए, एक तरह से देखा जाए तो स्विच ऑन करके किया, फटाफट इमोशन चेंज किए, और सबसे ज्यादा हमारे पास जो चैलेंज था, रिस्ट्रिक्शन था, वो था कि ड्राई लाइंस थी, लाइंस में कुछ भी ऐसा नहीं था। अगर तरीके से देखा जाए तो आज हमने तीन चीज करी ना,
एक आपकी हुई थ्री स्पीड सेंसर एक्सरसाइज और ये एक्शन इमोशन सब और स्विच ऑन स्विच ऑफ, ठीक है? क्या लगा और क्या दिक्कत आ रही? सर जब हम रोने की एक्टिंग करते हैं तो वो फील लाने हमें आपने जैसे बताया कि आंखें खोल के फील करो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि जब हम फील करते तो हम आंखें बंद कर लेते, वो हमारा नेचर है, पर आपने जब बोला कि आंखें खोल के जो भी इमोशंस है वो फील करो तो ऑटोमेटिकली आपके आंखों में दिखता है, राइट? वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई सर आपने। और क्या चैलेंज लग रहा है? सर चैलेंज ये है कि सराउंडिंग कोई भी हो, कोई हंस रहा हो या कोई मजाक कर रहा हो, पर अपन आप अपने कैरेक्टर में आप अपनी इमोशन के साथ जब तक उसको होल्ड करके रख सकते हो जब तक होल्ड करना है, ठीक है? आपको क्या लगा? सर मैं थोड़ा आँख खोल नहीं पा रही थी। सेकंड टाइम हुआ सही? हाँ। है ना, ये धीरे धीरे होगा क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना। सोनल आपको? हाँ सर, वही जो आपने बोला कि यहाँ से हमें हमारा चालू ही रखना है, जो भी डायलॉग है नॉन है वो, और जो भी बोल रहे हैं डायरेक्टर वो भी हमें अच्छे से सुन के वही रीडिंग के ऊपर और जो आपने एक्सरसाइज बताया वो तो है। हाँ। क्या लगा सर? जैसा हर्ष ने बोला था कि आपने बताया कि ड्राई लाइंस को कैसे इमोशन में बोलना है, हमने कभी ट्राई नहीं किया था, जो आपने बताया हमने उसको फॉलो किया, जैसे आज रिजल्ट आपके सामने है, तो ये दूसरों को नहीं आता सर, आज हम लोग सीख गए और हमने आपके सामने परफॉर्म किया और सबके मुताबिक आज एक इमोशन ज़्यादा मैंने परफॉर्म किया, वो मेंटल वाली थी, जो मैं करना चाहता था मुझे आती भी नहीं थी, वो आपने कमांड दिया मैं करता गया, मैं फॉलो किया। राइट, अभी तो हमने ड्राई लाइन्स पे काम किया, आगे चल के जब मेरी और भी क्लासेस होगी तो मैं काउंटिंग पे कराऊंगा, ऑफिस का मैं काउंटिंग भी बंद कर दूंगा, जस्ट एक क्लिक दूंगा और इमोशन आ जाएगा। हम लोग उस एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाले हैं, लेकिन जब ये रेगुलर प्रैक्टिस होगी तो ही उसमें असर देखने को मिलेगा, ठीक है? अब एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट वाला करेंगे, बहुत जल्दी वाला करेंगे, ठीक है? ओके, आप बाकी लोग क्या करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे क्योंकि कोई भी कमांड मिल सकता है ना, इसलिए कुछ सोचना नहीं है। एक्शन। क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? निकल जाओ रोते हुए, लुक मैच करना है, फर्स्ट सेकंड मार्क हो रहेगा। एक्शन। क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पास जाओ उसके और शर्माते हुए आउट हो जाओ फ्रेम से। जैसे ही आप उसने कमांड दिया कि शर्माते हुए आगे निकल जाओ, तो तुमको मालूम ऐसे जाओगे तो ये बाल गड़बड़ करेंगे, तो ये शर्माते हुए ये अदाओं से पीछे करके जाओगे। एक बार आओ, ये सब एक्टिविटी का ध्यान रखना है हमको, क्योंकि कैमरा इधर है ना, ठीक है? तो अभी बाल पीछे मत करना, तभी करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो। ओके, रेडी? रोमांस, एक्शन। क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चलो आउट होना शर्माते हुए। क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दुखी देखते हुए आउट हो जाओ। क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? गर्दन पकड़ो उसकी, उस हाथ से पास जा, तू पास जा, तू पास भी नहीं आएगा है ना, झटक और निकल जाओ। प्यार से देखते हो आउट। यश चोपड़ा के गाने भिजवा दिए। क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उससे डरते हुए कैमरे की इस तरफ से आउट हो गया। क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आगे बढ़ो, कमजोर दो। क्या एक्सट्रीम बढ़ा देखो। क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रोते हुए।
क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बेबस होकर छोड़ते हुए आगे निकल जाओ। नहीं देखो जब क्या बेटा ऐसा रहेगा ना, अब ये है ना तो मतलब उसने हाथ भी नहीं बढ़ाया, कोई सपोर्ट भी नहीं करा, तो उसको देखोगे एक लुक दोगे फिर स्लोली जाओगे, एकदम भागोगे नहीं, ठीक है?